हाँ तो नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, क्या है कि ये अपनी चल रही थ्रेसर, ठीक ना, ये स्वराज में फंसी हुई अपनी थ्रेसर, ये अपनी चल रही थ्रेसर। तो अपने गायना कितना है, एक गड्ढ ये गायना है, एक गड्ढ इसके आगे है और एक गड्ढ ये पड़ा हुआ है, देखो। तो भाइयों क्या है कि हम लोग गायने आए हैं चौराहटा के पास, वो देखो फैक्ट्री लगी हुई इधर काफ़ी ज़्यादा, और गाय हम लोग यहाँ रहे हैं। थ्रेसर की परफॉर्मेंस देखो कितना दूरी पर गिर रहा है, ट्रैक्टर की ओर से दिखाते अभी। ये देखो भाई ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखो, गायने वाले कदम देखो, गायने वाले एक परफॉर्मेंस देखो भाई, गायले वाले का देखो एकदम भूत लगा हुआ आदमी, जो देखो जो आदमी सुपा के पास खड़ा हुआ है देखो कितने तरह भूत एकदम काम कर रहा है। की और कंडीशन दिखाती है आप लोगों के, देखो ये ट्रैक्टर अपना लगा हुआ है किस तरह फड़फड़ा रहा है, और पैरा की दूरी की लंबाई की आप देख सकते हो, देखो कितना दूर पैरा है, कितनी दूर पैरा मेंकता है, ये देख लो भाइयों पैरा की हाइट देख लो कितना दूर पैरा मेंकता है, पहले नीचे से देख लो एकदम। तो भाइयों ये आए हुए हम की कंडीशन देख लो भाइयों, पाखुद होई इगला रात जा रहे और धान न चरे, नहीं तो धान अपने पैया कहीं चली गई। तो भाइयों ट्रैक्टर का आरपीएम देखो, ये देखो 1600 आरपीएम पे ट्रैक्टर चल रहा है अपना, 1500 1600, ठीक है। तो भाइयों क्या हो गया था, तो ये किसान भाई एडवांटा धान है काफ़ी तेज़ी चल रही, तो चलना जो ऊपर से गिर रही, तो इसलिए थोड़ा रुकाया गया इनको और बताया गया कि भाई वहाँ से धान नहीं झरनी चाहिए, टायर के पास जो धान गिरी हुई है तो वहाँ से धान नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो धान अपनी पैरा में आ जाएगी, जो पैरा में आने की धान की शिकायत है ना वो यही होती है। किसान लोग क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में गायने लगते हैं, इस कारण बस धान अपना पैरा साइड आ जाता है। ये देखो आप देखो पैरा का परफॉर्मेंस देखो, पैरा कितना दूर गिर रहा आपने। तो भाइयों ये ट्रैक्टर और थ्रेसर की क्वालिटी हम बता दें जो आपको, ये ट्रैक्टर अपना स्वराज 744 फोर स्टार, ठीक ना, और जो अपनी थ्रेसर है तो पंजाब पैडी है, ये जो पंजाब पैडी है देखो कुलवंत सिंह इसके निर्देशक है, वो देखो निर्देशक वहाँ पास लिखा हुआ है, ये देखो पंजाब के ऊपर यहाँ पास लिखा हुआ है कुलवंत सिंह, तो ये इनके निर्देशक है भाइयों। तो ट्रेसर क्या है, इनकी गजब की ट्रेसर है, इसमें भाइयों पहले एलिवेटर की जरूर समस्या थी कि जो मेड़ में आते हुए अपने साइड क्या है कि मेड़ ज़्यादा रहती है ना, तो इधर हार्वेस्टर नहीं पहुंच पाती तो एलिवेटर यहाँ फंस के टूट जाता है, ये फॉल्ट है ट्रेसर में, बस एलिवेटर वाली मतलब शादी ले लो एक नंबर चलती भाई। ये किसान जो है तो अब भी नहीं मान रहे हैं और डारा डार बचाए हुए हैं, इनको लग रहा है कि समय कम लगे, इस कारण बस ये बहुत तेज़ी से डाल रहे हैं, क्योंकि किराए से चल रही है अपनी ट्रेसर तो काफ़ी तेज़ी से साथ डाल रहे हैं। उनको एक बार और बताते हैं, मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा क्या जाना है। ये देखो कैसे भूतस लगे हुए हैं वो दिखाते हैं आपको,
तो भाइयों हम आप लोगों को क्या दिखाते हैं कि जो अपनी धान की बोरी है वो कितने मिनट में भर जाती है। तो भाइयों अपनी क्या 30 से 40 मिनट में एक बोरी अपनी भर जाती है। तो भाइयों दोस्तों दिखाते हैं हम आपको कि जो अपनी धान की बोरी है तो एक मिनट से पहले मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर एक बोरी भर जाती है। तो आप लोगों को दिखाते हैं 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर बोरी कैसे भरती है। इस कंडीशन से धान जर रही अपनी। भर के आ गई बोरी, दूसरी बोरी लगेगी। यह कहे बोरी अंगा भर रख भाई, उनकी पैदा आ जाए फिर। तो भाइयों ये देखो पैरा मेकने का जो प्रोसेस है ये देखो, और दाना देखो नीचे गिरे हैं कि नहीं गिरे। एक भी धान का दाना आप नहीं देख पाओगे इधर। इस थ्रेसर की खास बात ये है, इतनी खास बात है कि एक भी दाना आप नहीं देखे होगा। धान की क्वालिटी देख लो, देखो कितनी तेज धान चल रही है, धान देखो कितनी तेज चल रही है। 30 से 40 सेकंड के अंदर एक बोरी फुल हो जा रही भाई। ये देखो ये 10 मिनट की गाय है, 10 बोरी। नहीं मिलेगा आपको धान का इधर।